हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। डी आई के एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज डी आई का हमारा दूसरा सीरीज़ है, चलते हैं हम लोग डी आई की तरफ। आज भी हम लोग दो डी आई देखेंगे हर दिन की तरह। क्या बोल रहा है हम लोग का पहला डी आई देखो। पहला डी आई में दे रखा है टेबल शोज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड बाई सिक्स स्टूडेंट, छः स्टूडेंट्स के द्वारा अटेंडिंग अ लैंग्वेज स्कूल इन सिक्स डिफरेंट लैंग्वेज, छः डिफरेंट लैंग्वेज में। ऑल्सो अ ग्राफ सोज मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स फॉर ईच लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, परसेंटेज में दी हुई कि रोहित को हिंदी में 60% मिला, इंग्लिश में 75%। क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, पहला सवाल में वाट आर द टोटल मार्क्स ऑप्टेंड बाई रोहित, रोहित के द्वारा टोटल मार्क्स कितना ऑप्टेंड हुआ। इफ़ ही सिक्योर्स 50 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स इन जर्मन, ठीक है, जर्मन के जो पासिंग मार्क्स हैं उससे 50 मार्क्स वो अधिक लाता है। तो जर्मन का कंडीशन क्या है कि 50 मार्क्स अधिक मिला पासिंग से। जर्मन में पासिंग कितना है तुम्हारा, 50 है, यानी कि जर्मन में रोहित को जो मिला था वो कितना मिला है, 50 प्लस में 50, यानी कि हमारा मार्क्स जर्मन का निकल गया 100। देखो, रोहित का टोटल मार्क्स निकालने के लिए तुम्हें इस ब्लॉक को भरना था, ये ब्लॉक जो है तुम्हारा ऑलरेडी अब भरा चुका है। कितना ब्लॉक है उसमें, वहाँ पर उसको जर्मन में कितना मिला, 100 मार्क्स में मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम निकालते चले जाओ, 100 का जब हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 है, 100 का जब 60% निकालोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, 60 देगा, डायरेक्ट लिखते चले जाना है, ठीक है। फिर इंग्लिश में जब आओगे तो इंग्लिश में तुम क्या करोगे, 150 गुने में क्या 75 बटे में क्या 100, ठीक है। 50 से भी काट दो तीन बार में, दो बार में, ठीक है, यानी कि 75 × 3 क्या हो जाएगा, 225 बटे में क्या 2। फिर आगे चलो, जर्मन में आते हैं, जर्मन में तो मालूम है 100 मार्क्स मिले। फ्रेंच में आते हैं, फ्रेंच में क्या है, 150 × में क्या 92, यानी कि 150 का उसने कितना सिक्योर किया, 92%। फिर काट दो 50 से तीन, 50 से दो बार में, दो से यहाँ काट दो कितने बार में, 46 बार में। देखो, काटने का है, तुम जैसे भी काट लो। एक तरीका ये भी है कि 100 से निकालने का मतलब क्या, 1 × 1 × 1.5 × 1.25 ऐसे भी करके तुम चल सकते हो। तो जो आसान लगे वो करते चले जाना है, ठीक है। फिर स्पेनिश में क्या बोल रहा है, स्पेनिश में हमारा टोटल मार्क्स 100 है, 100 में 41%, यानी क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। फिर 200 अरेबिक में 52%, 200 का 52% हमें क्या देगा, 2 × 52, यानी कि गुने दो करना है, 52 में जब 2 से गुना करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, 104। और यही जो नंबर्स आए हैं इसी नंबर्स को तुम्हें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर लो, यहाँ पे 60 है, 100 है, यहाँ ऐड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें देगा 225 अपॉन में 2 प्लस में 100, यहाँ से तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 46 × 3 तो ये तुम्हें देगा 138। फिर यहाँ से तुम जब आगे बढ़ोगे तो 41 और 104, इसी को जब तुम ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये तुम्हें देगा 555 पॉइंट में क्या 5। और इसी के साथ तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 555 पॉइंट में कितना 5। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट सवाल में क्या है, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऋषभ इन हिंदी एंड राहत इन इंग्लिश, ठीक है। ऋषभ का हिंदी में और इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है ये बताना है तुमको। और देखो, ऑप्शन में जो है वो परसेंटेज, यानी परसेंटेज वैल्यू तुम्हें बतानी। इफ़ द रेस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क्स इन दो सब्जेक्ट इज 8, इन्हीं दो सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना है, 8 है। तो यहाँ से देखो, मार्क्स बात करना है, ऋषभ का हिंदी, ऋषभ का हिंदी क्या है, ब्लैंक है। फिर बात करना है राहत का इंग्लिश, राहत का इंग्लिश भी क्या है, ब्लैंक है। हिंदी का मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है तो 100 में बोल दिए ऋषभ को हिंदी में एच परसेंटेज मिला, यानी कि एच बाई में 100 माइनस कर दो। राहत को इंग्लिश में ई परसेंटेज मिला, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, 150 का ई परसेंट, 150 का ई बटे में 100 बराबर में कितना दिए हुए है, 8 दिए हुए, ध्यान में रखना है। यहाँ से सॉल्व कर दो इसे, 0 0 काट दो 50 से तीन बार में, 50 से दो बार में, यानी कि तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2h माइनस में 3e बराबर में क्या मिल जाएगा, 16, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, इसे चाहो तो तुम चेंज कर लो, 2h बराबर में 16 प्लस में क्या कर दो, 3e कर दो। ध्यान रखना कि तुमने क्या बोला था कि ऋषभ को हिंदी में जो मिला है वो मिला है एच परसेंटेज, और इंग्लिश में जो मिला है वो मिला है ई परसेंटेज, यानी एच और ई की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है। आगे बढ़ो, आगे क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाई ऋषभ एंड द पासिंग मार्क्स, ऋषभ को जो नंबर आया और पासिंग मार्क्स का जो अंतर है, ठीक है, इन हिंदी टू द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड बाई राहत एंड पासिंग मार्क्स, राहत को जो मार्क्स ऑप्टेंड हुआ इंग्लिश में और जो पासिंग मार्क्स है उनका रेशियो दिए हुए है 3। 3 कहने का मतलब क्या है, 3 बटे में क्या 1,
ठीक है। तो सबसे पहले ऋषभ का बात करते हैं, ऋषभ का हिंदी में देखो नंबर कितना आया, ऋषभ का हिंदी में नंबर आया है तुम्हारा 100 का, एच बाई में 100, ठीक है। इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, पासिंग मार्क्स के साथ निकालना है, पासिंग मार्क्स तुम्हारा कितना है 32 है। फिर नीचे आओ, नीचे में देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पासिंग मार्क्स और क्या उसका जो नंबर आया उसमें डिफरेंस, तो 100 150 का ई बाई में 100, और माइनस में इंग्लिश में देखो पासिंग मार्क्स कितना है 50, और इसी का रेशियो तुम्हें दिए हुए हैं 3:1। ये 100 100 तो खत्म हो गया, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। इसी को जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2h माइनस में 64 बटे में 3e माइनस में क्या हमारा 100, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा, बराबर में क्या 3 बटे में 1। अब देखो यहाँ पे 2h है, या तो तुम 2h की वैल्यू रख दो या तो तुम 3i की वैल्यू रख दो, जिस भी चीज़ की वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद e की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी तुम्हारी 42%, और e जब 42% निकल जाएगा तो यहाँ से तुम h में रख दो, यहाँ पे h की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि क्या है e अगर हम लोग 42 रखते हैं तो 3 × 42, ठीक है, 3 × 42, और फिर यहाँ से हमारा कितना है 16 है, तो 3 × 42 करके देखोगे जब 2h बराबर में 16 प्लस में 126, ठीक है। और फिर 2h इज इक्वल टू हमारा 126 और 16 जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें दे देगा 142, और 2 से काट दो इसे यहाँ से, कितना बार में 71 बार में, यानी h की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई 71% निकल गई। तुम सही पूछा था सवाल में, अब ध्यान रखो सीक्वेंस ध्यान में रखना, ठीक है, इन्हीं की 42% मिलता है और यहाँ से c का आंसर टिक कर देना, ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ये नहीं है, आंसर हमारा क्या है डी नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ है वो किसका, ऋषभ का हिंदी में और राहत का इंग्लिश में, यानी कि हिंदी का पहले और इंग्लिश का बाद में। संजोग से यहाँ पे 42 देखने के बाद बहुत सारे लोग इसे टिक आउट कर देंगे, लेकिन ये गलत है, 71 एंड 42 दोनों जब निकालोगे तो यहाँ से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है देखो, हु हैज स्कोर्ड हाइएस्ट मार्क्स इन एनी ऑफ द 6 लैंग्वेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से किसमें से हमारा जो है हाइएस्ट नंबर आया है, ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर मान लो कि तुम्हें ये ऑप्शंस ना दिए हुए रहते और बोलते कि यहाँ पे तुम्हें नन ऑफ दीज भी दिए हुए रहता, ठीक है, तो जब नन ऑफ दीज तुम्हें दिए हुए रहता तो यहाँ पे ये सवाल पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि तुम्हें हर एक का निकाल के चेक करना होता, ठीक है। तो ये समझो कि अगर इस टाइप के सवाल में नन ऑफ दीज दे देता है या बोलता है ऑप्शन गिवन बिलो नहीं, इसमें से तुम्हें बताना है, ठीक है, पूरे ग्राफ में से, तो वो सवाल को हम लोग लिटरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उस सवाल पे हम लोग को ज़्यादा डिबेट या ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप करो, नहीं है तो फिर उसे छोड़ के आगे बढ़ो, आगे बहुत सारे आसान सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोल रखा है कि सबसे पहला जो है रमन इन इंग्लिश, ठीक है, रमन का इंग्लिश में, तो 150 टोटल है और उसको मिलता कितना है 95। जो बोला है ना सबसे पहले वो सारा पांचों का लिखते चले जाओ, ठीक है, पहला का लिख दिया। रॉय इन जर्मन, जर्मन में टोटल हमारा 125 है और रॉय को जर्मन में 90% मिले हैं, यानी कि 90/100 लिख दो। फिर रमेश इन फ्रेंच आ जाओ, रमेश को फ्रेंच में देखो कितना मिला है, रमेश को फ्रेंच में मिला है 92 और फ्रेंच में टोटल है हमारा 150, यानी 150 × 92/100। बहुत सारे तो ऐसे ही कट जाएंगे तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखना बस। अगला क्या है, रोहित का अरबिक में, रोहित का देखो अरेबिक में टोटल है हमारा 200 और उसे मिला है 52%, यानी 200 का क्या लिख दो 52/100 लिख दो, ठीक है। फिर निकाल दो एक राहत बचा, राहत का हिंदी में, राहत का हिंदी में कितना है 82 है, यानी कि 100 का 82/100 क्या 100, ठीक है। अब तुम ध्यान दो 100 का 95/100, 192/100, ऑब्वियस सबसे बड़ा कौन होगा 95, तो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम ध्यान दो कि ये तुम्हें 82 देगा और तुम जब यहाँ 52 × 102 करोगे तो ये तुम्हें देगा 104, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला टर्म भी जो है वो खत्म हो गया, बचे क्या 1, 2 और 3, या तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो या थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे भी करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा बड़ा फर्स्ट वाला 150 × 95/100। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये तुम्हें देगा 142.5 और ये तुम्हें देगा 112.5, ठीक है। ये तो साफ साफ क्लियर है कि 125 का तुम जब 90% निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हें 125 से ज़रा सा ही नीचे देगा, यानी कि तुम 10% इसमें से घटा दो, 125 का 90% निकालने के लिए क्या है 125 का 10% घटा दो, यानी कि 12.5 इसमें घटा दो 112.5, तो ये भी तुम्हें दिख गया कि ये सबसे छोटा हो गया। इसी तरीके से तुम एलिमिनेट करके बोल सकते हो कि हमारा बड़ा कौन सा है, ये वाला, और ये किसके लिए हमारा पहला रमन इन इंग्लिश, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो हम लोग का क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट में हम लोग का बोल रहा है व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश इन स्पेनिश इफ ही स्कोर 73.42% ओवरऑल. ठीक है, ओवरऑल जो है वो 73.42% स्कोर करता है. तुमसे बोल रहा है कि स्पेनिश में उसे कितने नंबर मिले हैं. ठीक है, तो रमेश का देखो कहानी कहाँ पे. रमेश का हिंदी मालूम, इंग्लिश मालूम, जर्मन मालूम, फ्रेंच मालूम, और ये हमें निकालना है. ठीक है, और यहाँ पे तुम देखो अरेबिक में वो भी मालूम है हमारा. ठीक है, तो अब चीज़ें क्या है हमें यहाँ पे सॉल्व करके निकालनी है. अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोल रखा है कि तुम्हारा पूछा है रमेश को कितना परसेंट मिला यहाँ पे मार्क्स में स्पेनिश में. तो ये कैसे निकालोगे तुम, यहाँ पे करोगे हिंदी में 100 का क्या निकला है यहाँ पे हमारा 65%, 65/100. फिर क्या करोगे 150 का करना है 65/100. फिर क्या करना है हमारा जर्मन में, जर्मन में हमारा क्या 125 का 73/100. फिर आगे चलोगे फ्रेंच में 150 का 92/100. और फिर यहाँ पे आगे बढ़ोगे स्पेनिश में, नहीं मालूम है तो इसे मान लो एक्स परसेंट. ठीक है, और यहाँ से 100 का एक्स बटे में 100, और फिर यहाँ से फाइनली 200 का 79/100. ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो उसका डेटा दिया हुआ था. सवाल में बोला था कि ओवरऑल 73.42 मिलता है, मैंने सबका जोड़ के उसे क्या मिला है 73.42. जब इसे ऐड करोगे 200, 100, 150, 125, 150 और 100, तो ये ऐड होने के बाद तुम्हें देंगे 825, और ये 825 का तुम्हें 73.42% निकालना है. ध्यान दो अभी सवाल में कि सवाल में काटने छाटने का ना कहीं से भी तुम्हें कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि सारे नंबर एक कॉमन मल्टीपल के नहीं है. तो यहाँ पे चलो इधर वाला तुम इक्वल टू के साइड वाला तुम कर लोगे, ये वाला जो तुम्हें तोड़ना है ना ये करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा. करके देख लो, लास्ट में तुम्हें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 605.715. जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना ये वाला पार्ट को, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और इसमें तुम घटा दो 549.75 जब इधर तुम सॉल्व करोगे, यानी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 55.965, और हम लोग इसको 56% अप्रॉक्स में बोलेंगे. ठीक है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56%. ध्यान रखो ये सब सवाल ना बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ये तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया जाता है 73.42%, यही सब देख के हम लोग जज कर लेंगे, क्योंकि जब इतने बड़े नंबर से हमें करना है तो यहाँ पे और कोई जुगाड़ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें टाइम बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ये सवाल को छोड़ना है एग्जाम में. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेक्स्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड इन अरेबिक एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन फ्रेंच. ठीक है, मिनिमम अरेबिक में और मैक्सिमम फ्रेंच में, तो ये तो हम लोग तब बता सकते हैं ना जब ये अरेबिक पूरी तरीके से भरा होता. ठीक है, हो सकता है ये 10% भी हो सकता है ये 20% भी हो, तो ये तो भरा हुआ है ही नहीं. फ्रेंच में भी देख लो, फ्रेंच में भी एक खाली है तुम्हारा, तो ये तभी बता सकते हैं जब ये पूरी तरीके से भरी हुई होती. तो जब भरा हुआ ही नहीं है तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कौन है मिनिमम कौन है. ठीक है, इसलिए इस सवाल का आंसर जो होगा वो होगा कांट बी डिटरमाइंड, कि हम लोग इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है. नेक्स्ट हम लोग का डीआई बदल गया. डीआई देखो क्या बोल रहा है इसमें कि फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस फॉर ऑल द आइटम्स. हमारे पास 5 आइटम है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए है. कॉस्ट प्राइस का टोटल 32,000 है. ए का 6.25% ले रहा है, 18.75 ले रहा है, सी 12.5 ले रहा है. इसी तरीके से मार्क प्राइस 40,000 लिए हुए. देखो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसको बनाने का ना एक बेहतर अप्रोच देखो, अगर तुम 32,000 और 40,000 लेके चल रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होंगे. इसे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सिंपलीस्ट फॉर्म में बदलना है. सिंपलीस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 32,000 रेशियो 40,000 निकाल लेना है. ठीक है, तो 32,000 और 40,000 का जब तुम निकालोगे तो 8,000 से जब इसे काटोगे, किससे काट रहे हो तुम, 8,000 से, ध्यान रखना इस चीज का, 8,000 से जब काटोगे तो ये तुम्हें 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा. तो तुम्हें क्या निकल गया, इसे तुम बोल दिया तुमने 4 यूनिट, इसे बोल दिया तुमने कितना 5 यूनिट. ठीक है, अब इसी बेसिस पे जो है हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे. और एक की पॉइंट भूलना मत, क्या नहीं भूलना, कि तुमने डिवाइड किससे किया था, 8,000 से.
कि मान लो कभी तुम्हें डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़े तो तुम उससे क्या करो, 8000 से निकाल दो। और अगर परसेंटेज वगैरह निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ ऐसे भी 8000 8000 कट ही जाना है, ठीक है। तो जब जैसा सवाल रहेगा उस हिसाब से करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन जहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे वहाँ भी देखने में थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा, डर नहीं लगेगा ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो, और ऐसे तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो देखो सब पहला सवाल क्या बोल रहा है, आइटम ए इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। आइटम ए को जो है 20% के डिस्काउंट पे बेचा गया। आइटम ए देखो कितना है, 5 का 7%, यानी कि तुम यहाँ पे लिख दो 5 का 75, यानी 7.5 बाय में क्या 100, जब ये तुम डेसिमल उठाओगे तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको कितना पे बेच रहा है, 20% के डिस्काउंट पे, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80 बाय में 100। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एफ इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए। जो कॉस्ट प्राइस है एफ का वो सेलिंग प्राइस है किसका, ए का। तो ए का तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल ही गया, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एफ का कॉस्ट प्राइस भी है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एफ, आइटम एफ का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या बोल रहा है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस। ध्यान रखो क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट मोर या लेस, ये तुम्हें डिटरमाइन करना है अधिक है कि कम है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सी, आइटम सी के सेलिंग प्राइस से कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, हुज प्रॉफिट इज 10%। किसका प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट जो है 10% है। तो प्रॉफिट जब दिए हुए रहे तो हम लोग किस पे जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट दिए हुए रहेगा तो किस पे जाएंगे, मार्क प्राइस पे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। तो सी का चलो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सी का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 4 का 12.5%। तुम इसे चाहो तो यहीं पे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/8, और 6.25 की जो होती है वो होती है 1/16। ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐसे 1/8 लिख दिया। अब 10% का प्रॉफिट है, यानी 110/100 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 110/100 में जब बेच रहा है तो क्या बोला था कि सी का कितना परसेंट अधिक है या कम है। तो सबसे पहले तुम यहाँ से निकाल लो कितना परसेंट है, तो हमने बोल दिया 1%। अब ध्यान से समझना ये सवाल को ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, और बहुत मतलब बहुत जगह इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डीआई में खास करके ये इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा होता है, और लोग कैलकुलेटिव समझ के इसे छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, थोड़ा मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। ये 100 100 200 सबसे पहले यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। जब ख़त्म हो गया तो 4 से ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। ये 0 यहाँ से ये 0 हटा दो, ठीक है, और काट दो यहाँ से, 5 से काट दो इसे 2 बार में, 2 से काट दो इसे 4 बार में, ठीक है। 75 × 4 जब करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 300 देगा। 300 × 2 करोगे तो ये क्या तुम्हें देगा, 600। यानी कि तुम्हें क्या करना है, 600/11, ये तुम्हारा क्या निकल गया, 1%। ध्यान देना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मान लो अगर ए की वैल्यू 77% निकलती है, ठीक है, तो तुम इसे क्या बोलोगे, 23% ये लेस है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू तुम्हारी 137% निकलती है तो तुम इसे क्या बोलोगे, 37% क्या है, अधिक है। तो यहाँ से तुम, अब यहाँ से देखो ना, दो रास्ता निकलता है। ए का वैल्यू या तो हम लोग यहाँ से 6/11 गुने में 100 करके निकाल लें, क्योंकि 1/11 हमारा जो होता है वो होता है 9.09%, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से जाने का ना मैं दो रास्ता, पहला रास्ता क्या है हम लोगों का, ए का मान यहाँ से निकाल लो, 1/11 होता है 9.09%, 6 × 9.09% तुम कर दो, ठीक है। यानी कि ये तुम्हें क्या दे देगा, 9.09 करोगे तुम्हें देगा 54.55%। मैंने अभी बताया था 100 से कम रहे तो उसे 100 में घटा दो तो परसेंटेज क्या निकल जाता है, लेस निकल जाता है। परसेंटेज लेस क्या निकल गया, 100 − 54.55, यानी कि ये तुम्हें दे देगा 45.45%, ठीक है। यानी कि परसेंटेज कमी जो है ये लेस निकला हमारा कितना, 45.45%, और यही हमारा इस सवाल का आंसर। अब इस सवाल को ना बखूबी हम लोग ना 2 मिनट में कर सकते थे, अगर ये करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। देखो डायरेक्ट एक बार में हमारा कैसे आंसर आता, हमारा क्या है, 6/11 × 100, ये हमारा एग्जैक्ट परसेंटेज निकला, ठीक है। ये हमारा क्या निकल रहा है, एग्जैक्ट, जो कि नॉर्मल परसेंटेज हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। हमको जब डिक्रीज निकालना रहेगा ना, तो डिक्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे, 11 − 6/11, और इसे 100 से गुना कर देंगे। डिक्रीज परसेंटेज जब निकालना रहेगा, चाहे इंक्रीज, अगर इंक्रीज निकालने के लिए रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इंक्रीज का क्राइटेरिया समझना, इंक्रीज अगर रहेगा तो ये 13/11 रहेगा, ठीक है। तब तुम्हें क्या करना है, 13 − 11/11 करना है, ठीक है। तो जब इंक्रीज रहेगा तो 11 से बड़ा रहेगा, जब डिक्रीज रहेगा तो क्या रहेगा, 11 से ये छोटा रहेगा। यानी कि यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, 5/11,
और गुने में क्या 100, तुम्हें मालूम है 1/11 9.09 होता है, अभी मैंने बताया, यानी 5 गुने में जब तुम 9.09 करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 45.45%, और यही तुम्हारा आंसर है 45.45%। ये चीज़ को ध्यान में रखना कि ये DI का ना कैलकुलेशन करने में बहुत समय बचाता है, कि डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दो और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि अगर कम है तो 100 घटा दो यहाँ से, यहाँ मैंने क्या किया 100 माइनस 77 किया है 23 लाने के लिए, यहाँ पे क्या किया 137 में 100 घटा दिया, तो बस यही करना है और आंसर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है इफ़ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज अलाउड ऑन आइटम सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, सी और डी में 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो दे रहा है सी में, तो देखो सी में क्या है हमारा कंडीशन, सी हमारा है यहाँ पे 12.5% जिसकी वैल्यू होती है कितनी 1/8, 25% है जिसकी वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड डी टुगेदर, सी और डी का साथ में टुगेदर, टू द मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए और बी का मार्क प्राइस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालना है किसका, सी और डी का सेलिंग प्राइस और ए और बी का मार्क प्राइस के साथ, तो ए बी तो हम लोग कंबाइंड रूप से निकाल सकते हैं, 17.5 में जब 7 जोड़ दोगे तो वो तुम्हें क्या देगा 25%, जब इन दोनों को तुमने कंबाइन कर दिया, जिसकी भी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/4, सारा फ्रैक्शन पे अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, अब देखो कितनी आसानी से ये सवाल को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम ध्यान दो कि तुम्हारा मार्क प्राइस पे काम करना है, तो इसे मैंने 5 लिया था और इसे क्या लिया था मैंने 4 लिया था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 5। सबसे पहले सी पे बात करते हैं, सी पे 10% डिस्काउंट मिला है, सी में कितना परसेंट है उसका 5 का 1/8 है, और 10% का डिस्काउंट मतलब क्या 90/100। ठीक है, फिर प्लस कर दो, फिर 5 डी में देखो, सी का डी में कितना है हमारा 25%, जो कि क्या है हमारा 1/4, और 20% का डिस्काउंट मतलब क्या 80/100, फिर माइनस कर दो, माइनस क्या करना है डिफरेंस निकालने के लिए बोला था ए और बी का मार्क प्राइस के साथ, ए और बी कितना है हमारा 1/4 है, तो 5 का तुम क्या लिखोगे यहाँ पे 1/4 लिखोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 5 का 1/4 क्या है, अब यहाँ से तुम्हारा एक एक स्टेप बाय स्टेप करो, 1/8 गुने में क्या 90/100, अब यहाँ देखो 5 गुने 1/4 अगर कॉमन ले लोगे तो 80 में जब 100 घटेगा तो क्या देगा माइनस में देगा, यानी कि तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो 5 गुने में 1/4 का क्या 20/100 लिख सकते हो। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 5 गुने में 1/8 है, 5 गुने में 1/4 है, तो नीचे भी 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 40, तुम कॉमन क्या ले लिए फिर 5 गुना 1/8 कॉमन ले लिए, 90/100 में 40/100 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 50/100, जो कि क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब तुम ध्यान दो कि तुमसे क्या बोला है नेट निकालने के लिए, डिफरेंस जो है वो नेट में है हमारा, यानी नेट अमाउंट है 3,350, तो मैंने क्या बोला था कि तुम जिससे इस 40,000 को काट रहे हो वो ध्यान में रखो, अगर नेट बोले तो उसे लास्ट में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,000 आ जाएगा, 2 से और काट दो इसे 500 बार में, यानी कि 500 × 5 जब करोगे तो तुम्हें कितना मिल गया 2500, और हमारा इसी के साथ आंसर है 7 नंबर ऑप्शन 2500। देखो दो रीज़न है ये रेशियो में करने का, सबसे पहले तो ये ग्राफ जो हमें दिखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है कि ये बड़ा नंबर लेके हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ा नंबर देख के ही हम लोग को थोड़ा डर लग जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आसानी से लास्ट में जाके सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा, तो चीज़ों को ध्यान से समझो और ये तरीका यूज़ में लाओ ताकि तुम आगे जाके एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी ना करो, तुम्हें कोई चीज़ हार्ड ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग का नेक्स्ट क्या बोल रहा है सवाल में, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इफ़ 5% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन आइटम बी पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ जी इज 200 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी के सेलिंग प्राइस से 200 अधिक है, देन व्हाट वुड बी द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए का कॉस्ट प्राइस के साथ टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम जी के सेलिंग प्राइस के साथ, तो सीपी ऑफ ए निकालना है तुम्हें। ए का सीपी देखो तो कैसे निकलेगा हमारा 6.25% जो है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 1/16, और 32,000 को तुम्हें लेना है 4, 40,000 को लेना है तुम्हें क्या 5। ठीक है, और जो स्केल फैक्टर हमारा है वो स्केल फैक्टर क्या है हमारा 8,000। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि 5% का जब तुमने डिस्काउंट दिया बी पे, तो सबसे पहले तुम्हें ए का रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सबसे पहले निकाल लो, 4 का 1/16। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम जब आगे बढ़ोगे तुम्हें क्या करना है बी का सेलिंग प्राइस निकालना है, बी का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा 5 का
बी में देखो कितना है, 17.5% है, यानी कि यहाँ पे तुम क्या करोगे 17.5/100, ठीक है। और तुमने डिस्काउंट कितना दिया 5% का, यानी कि क्या है 95/100, ठीक है। 200 जो अधिक है वो क्या है हमारा नेट अमाउंट से 200 अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेट अमाउंट लाने के लिए इसको 8000 से भी गुना कर देंगे, और इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने 200 से अधिक, तो नीचे जब नेट अमाउंट है तो ऊपर भी नेट अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया 8000। अब देखो कितना आसानी से मैं से सब चीज़ को काट दूंगा, 2 0 2 0 और 2 0 यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। 16 से काट दो इसे 5 बार में। अब इसी चीज़ को तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दो नीचे 10 आ जाएगा, ये जीरो भी इसे काट देगा, ठीक है। 25 से ये काट देगा 7 बार में, 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से इसे काट दो तुम 2 बार में, 5 2 जा हमारा कितना होगा 10, 1 0 हमारा क्या हो गया और ख़त्म हो गया। 1 0 जब और ख़त्म हो गया हमारा, तो 95 गुना में 7 करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, ऊपर में देखो हमारा कितना है 20 है, 95 गुने में जब तुम 7 करोगे तो ये तुम्हें देगा 665, बटे में 10 है तो यहाँ पे क्या करो एक डेसिमल लगा दो और प्लस में क्या कर दो 2 कर दो, ठीक है। यानी कि तुम यहाँ पे क्या कर दिए 66.5 प्लस में क्या 2 कर दिए। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है 20/68.5, लेकिन रेशियो तुम्हारा कभी भी पॉइंट में होगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे कि इसे जस्ट डबल कर दो, तो डबल जब करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 40 और नीचे में 68.5, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 137। और इसी के साथ तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 40 रेशियो में क्या है 137, ठीक है। तो देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई, और इसे नॉर्मली तुम 32,000 और 40,000 पे लेके चलो, थोड़ा इससे ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सी एंड डी टुगेदर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी एंड ई टुगेदर, सी और डी का साथ में कॉस्ट प्राइस बी और ई के कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट कम है ये तुम्हें बताना है। तो देखो सी और डी में तुम बात करो, सी में कितना है 12.5 और यहाँ पे कितना है 25, ठीक है। सी और डी का कॉस्ट प्राइस जब करोगे तो 4 का 12.5 एंड 22.25, ठीक है, ये तुम्हें देगा 37.5, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 4 का 3/8, ठीक है। सी और डी का कॉस्ट प्राइस निकाल दो, कितनी आसानी से निकल गया। फिर क्या है, हाउ मच परसेंट लेस देन, किससे लेस देन, बी और ई के मार्क प्राइस से। यहाँ देखो बी का मार्क कितना है 17.5% और यहाँ पे ये कितना है 37.5%, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 55%। तो 55% किसका, 5 का ले लो 55/100, इससे बोला है कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है यानी हमने क्या बोल दिया ए परसेंट, सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ से तुम्हें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व जब तुम करोगे तो 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा 4 से, 4 से जब ये तुम्हारा 2 बार में कट गया तो अब यहाँ से आगे बढ़ो इसे सॉल्व करते हुए। सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 5 से काट दो इसे 11 बार में, 5 से काट दो इसे 20 बार में, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें कट रही है, 5 से काट दो इसे 2 बार में, जब तुम यही फाइनली निकला तुम्हारा यहाँ पे 3 × 2 क्या 6/11 गुने में क्या 100। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस चीज़ को बखूबी समझा है कि 6/11 का मतलब क्या होता है हमारा 54.55% आएगा, और परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो परसेंटेज डिक्रीज कितने की होगी, यानी कि 100 - 54.55 जो कि हमें क्या देगा 45.45%, और इतने की हमें क्या हो रही है कमी हो रही है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, लास्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड एच इज 9000, डी और एच का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो 9000 है। अब यहाँ पे जो है ना देखो डी तक तो मालूम है लेकिन एच नहीं मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पे मत जाना, यहाँ पे तुम नॉर्मली इसे कर सकते हो। तो डी का जब बात करेंगे तो 32000, ठीक है, डी कितना है हमारा देखो 25%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/4, प्लस में कौन है इसके साथ एच है प्लस में, और इनका एवरेज है 9000, यानी कि सम क्या हो जाएगा 9000 गुने में क्या 2, 4 से इसे काट दो 8000 बार में, यानी कि 18000। एच का जो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा, सीपी जो निकल गया वो क्या हो जाएगा 18000 में 8000 चला गया, यानी कितना 10000, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ आइटम ई एंड एच इज कितना 16000, मार्क प्राइस जो है ई और एच का कितना है 16000 है, तो ई का बात करो देखो 40000, और ई का देखो तुम्हारा कितना परसेंट दिए हुए है, यहाँ पे ई का तुम्हारा दिए हुए है 37 पॉइंट में कितना 5%। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है 3/8 होता है, कर दो यहाँ पे 3/8,
प्लस में कौन जाएगा यहाँ से, एच जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू तुम्हारा जो ये दिए हुए है एवरेज, वो कितना दिए हुए है 16,000, यानी सम क्या हो जाएगा 16,000 गुने में क्या 2, यहाँ से काट दो 8 से काट दो यहाँ 5 बार में, यानी कि 5,000 गुने 3 15,000, और यहाँ पे क्या है 32,000, यानी एच जो निकल गया यहाँ पे मार्क प्राइस एच का, वो कितना निकल गया हमारा 17,000 निकल गया हमारा एच का मार्क प्राइस। अब सवाल में क्या बोल रहा है, देखो मेन सवाल यहाँ पे क्या है, आइटम एच बाई अप्रोक्सीमेटली एलोइंग वॉट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन ऑर्डर टू गेन क्या 30,000, 3,000 गेन करने के लिए आइटम एच पे वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो देखो 17,000 पे क्या बोल रहा है, 100 माइनस एक्स बटे में क्या 100 एक्स परसेंट का डिस्काउंट देगा, और इस तरीके से वो कमाएगा कितना, 1,000 उसका सीपी है और 3,000 वो प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी 13,000 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से तुम 30,000 जब काटोगे तो इस एक्स को निकालना ना थोड़ा तकलीफ वाला काम है, ठीक है। तो मेन तुम्हें क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 माइनस में एक्स बराबर में क्या 1300 बटे में क्या 17, सॉल्व कर लोगे यहाँ से। सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी वो आएगी 23 में क्या 5%, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 में क्या 5%। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों को ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आ रही है समझो इसे, नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार देखो, थोड़ा सा चीज़ें आपस में समझ में आ जाएंगी, थोड़ी नई होंगी किस लोगों के लिए, इसे हैबिचुएटेड बनाओ। जिन लोगों के लिए नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है ये DI को आसान बनाने का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बहुत लोगों मुझे सब सारे रिपोर्ट रहती है, कुछ लोग भगा भगा के देखते हैं, देखो वीडियो को तुम देखो पूरा, ठीक है, तब जाके तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा सवाल में क्या है। भगा भगा के देखोगे तो तुम वही यूजुअल तरीका करते रह जाओगे जो तुमने कर रखा था प्रीवियस टाइम में भी, ठीक है। तो चीज़ों को समझो और इसे देखो, और अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। चलो थैंक यू।